दिल्ली में झारखंड बीजेपी की आज समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बाबूलाल मरांडी रवाना हुए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा होनी है। पार्टी हर लोकसभा सीट की समीक्षा कर रही है। सोमवार के दिन लोहरदगा, गुड्डा और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की समीक्षा हुई थी और आज होने वाली समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश संगठन प्रभारी कर्मवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री शामिल होंगे। दुमका और देवघर में पार्टी के दो गुटों के बीच हंगामे को लेकर भी हाईकमान समीक्षा करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां आज दिल्ली में समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। विरोध भी हुआ है दुमका में, जो प्रत्याशी हैं सीता सोरेन वो कह रही है कि दुमका को लेकर के भी कह रहे हैं, गोड्डा को निशिकांत दुबे कह रहे हैं, वहाँ से नारायण दास कह रहे हैं कि गाली गलौज और अपशब्द कहा गया है। घर का मामला है, घर में जैसे पति पत्नी हो जाता है, दोनों प्रभारी जो चुनाव प्रभारी के नेता उनका सोचता हूँ कि दोनों ही जन लेता है, दोनों जनता एकदम बेफिक्र रहे। आपका बेटा, आपका भाई तैयार बैठा है पसीना बहाने के लिए, आपको चिंता नहीं करनी। यहाँ किंतु यह है, यहाँ पर जो सरकार है चेयरमैन कांग्रेस की सरकार है, वो आप देख लो, माने वादा खिलाफी वाली सरकार है। हम सब जो काम करके अड़चने डालती हैं, तो इस वादा खिलाफी के खिलाफ जो उन्होंने चुनाव के दौरान प्रलोभन दिया आदिवासी इलाकों में, ऐसे जगह की तब आप गारंटी कार्ड भरो, 1,00,000 रुपया खाते में आ जाएगा। तो गांव गरीब किसान सोचा रहे हमारे एक वोट से थोड़ी मोदी हार जाएंगे, मोदी तो जीत रहे हैं, चलो कांग्रेस को वोट देते, जेमे को वोट देते, 1,00,000 रुपये खाते में आ जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा था ना खटाखट आएगा, तो खटाखट का इंतजार कर रहे, कब खटाखट आएगा। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव में 5 की 5 आदिवासी सीट पर बीजेपी को हार मिली और ये हार नुकसानदायी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में, और इसके साथ ही पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, अंदर खाने बहुत कुछ है जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और यही वजह है कि आज की समीक्षा बैठक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण है। सही कहा, क्योंकि यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले 400 के पार आंकड़ा बतला रही थी, पर जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कह सकते हैं चौंकाने वाली जो रिजल्ट थी वह सामने आई है। हालांकि यदि झारखंड में बात करें तो झारखंड में पिछले बार 12 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की थी, हालांकि वह आंकड़ा इस बार घट के 9 ही रह गया। अब इसको लेके आज दिल्ली में समीक्षा बैठक की गई है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। हालांकि यदि इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में सिर्फ लोकसभा चुनाव की समीक्षा नहीं, उसके अलावे कई ऐसे मुद्दे हैं जो रखे जाएंगे। हालांकि जिस तरह से कल निशिकांत और जो देवघर के विधायक है उनके गुटों में जो घटना घटी है, यानी जो वाक युद्ध वहां पे देखने को मिला है, इस पर बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे कहा है कि परिवार के लोग हैं और परिवार में इस तरह की घटना कभी होती है, जैसे पति पत्नी में भी प्रेम होता है पर उसके बावजूद भी कई बार तकरारें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देकर उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि परिवार है तो कभी कभी इस तरह की बातें सामने आती है। हालांकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन दुमका से हारी थी, जिसके बाद वे पार्टी पे ही आरोप लगा रही है कि पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो उनको जिताने के लिए नहीं उनको हराने के लिए खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो 400 पार के आंकड़े बीजेपी बात कर रही थी पर उस आंकड़े तो पहुंचना दूर की बात है, वहां तक पहुंच भी नहीं पाई बीजेपी। पर जिस तरह की स्थिति अब उत्पन्न हुई है उसको कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक और बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, परिवार के लोग हैं, सभी मामले सलट जाएंगे। हालांकि अब देखना होगा आज जो बीजेपी की बैठक है और इस लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा में क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि
काफी नजदीक अब विधानसभा का चुनाव है, जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव में हुए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल संदीप, आज की बैठक की बात करें तो बाबूलाल मरांडी के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावे जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जो झारखंड प्रभारी बीजेपी के, वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं वो दिल्ली में ही इस समीक्षा बैठक है उसमें शामिल होंगे। हालांकि देखना होगा पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की गति हुई है, 5 ऐसे बड़े कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र था और आदिवासी बहुल इलाका था, वहां पे बीजेपी को करारी हार यानी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और कई ऐसे कद्दावर नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें या फिर अन्य जो प्रत्याशी बनाए गए थे, जिसको यदि सीता सोरेन की बात करें या फिर गीता कोड़ा को, जिसको कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी अपने साथ ले गई थी, पर कहीं ना कहीं जोबा मांझी ने उन्हें टक्कर देते हुए एक भारी मार्जिन से हराने का काम किया। तो ऐसे 5 जो आदिवासी सीट था वहां पे बीजेपी ने अपनी शिकस्त खाई है। तो इन सभी मुद्दों पर आज समीक्षा होगी, क्योंकि यदि देखा जाए तो समीक्षा बैठक का कितना फायदा मिलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।